नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कुछ देर रुक जाइएगा, वीडियो देखिएगा, और अगर पुराने हैं तो लाइक करिए, उसके बाद वीडियो का आनंद लीजिए और देखिए कि आज आपके लिए क्या है। अगर आप नए हैं तो रुकिएगा, देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो इस प्रकार है। सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज का टॉपिक जो है हमारा उत्तर प्रदेश जीके। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, उत्तर प्रदेश में सराय नहर राय मुरहना पहाड़ लोकैया महादेया प्राचीन स्थल किस काल के हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक काल। दुनिया में चावल के सबसे पुराने साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं? तो दोस्तों, कोल्डी हवा से मिला है, और जो कोल्डी हवा है ये इलाहाबाद के पास स्थित है। वहीं अगर हम अगली प्रश्न पर चर्चा करें तो लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नवपाषाणकालीन स्थल मिट्टी के बर्तनों के उपयोग का प्रथम साक्ष्य प्रदान करता है? मिट्टी का बर्तन अगर बात की जाए तो चोपनी मंडो एक स्थान है जहाँ से मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं। वहीं किस पुरातात्विक स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की पूर्वी सीमा माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्वी सीमा है वो मेरठ आलमगीरपुर है दोस्तों। वहीं अगर हम आगे बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के किस हड़प्पा कालीन स्थल से सोने की अनेक कलाकृतियां मिली थी? तो दोस्तों, सोने की जो कलाकृतियाँ मिली थी वो मिली थी मंडी से, जो कि मुजफ्फरपुर नगर जिले में है। वहीं हड़प्पा युगीन सबसे बड़ा शमशान स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा काल मतलब हड़प्पा की सभ्यता में सबसे बड़ा जो शमशान स्थल था दोस्तों वो था सादिकपुर सिनौली है एक स्थान, वहीं पर जो है सबसे बड़ा साक्ष्य या मिला था ये सबसे बड़ा कब्रिस्तान। वहीं अगले प्रश्न पर अगर चर्चा करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश के किस स्थान से एक ही कब्र में तीन मानव कंकाल प्राप्त किए गए? दोस्तों, ये प्रतापगढ़ जिले के दमदमा स्थान पर जो है एक ही कब्र में तीन मानव के कंकाल मिले हैं दोस्तों। वहीं अगर हम आगे चर्चा करें तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति जब हुई थी गौतम बुद्ध को, तो उसके बाद अपना पहला उपदेश दोस्तों सारनाथ में दिया था इन्होंने। वहीं अगर दोस्तों अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो गौतम बुद्ध ने 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त किया था? तो दोस्तों, हमको सब जानते होंगे कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण जो है ये कोसल में प्राप्त किया था दोस्तों, और कोसल एक मिनट रुक जाइएगा, महापरिनिर्वाण जो था वो कुशीनगर में प्राप्त किया था। और सर्वाधिक वर्षावास मतलब वर्षा के समय जो अपना समय व्यतीत किया था दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा समय कोसल या श्रावस्ती में व्यतीत किया था। वहीं अगर हम आगे बात करें दोस्तों, तो महाजनपद वत्स की राजधानी क्या थी दोस्तों? महाजनपद वत्स की राजधानी क्या थी? तो वत्स की जो राजधानी थी दोस्तों वो थी कौशाम्बी। वहीं अगर आगे प्रश्न पर चर्चा करें तो किस अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया? तो दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ये सारनाथ के सिंह स्तंभ से अपनाया गया है। अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ था उसी से जो है इसको अपनाया गया है। वहीं अगर हम आगे बात करें तो कुषाण शासक कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? तो दोस्तों, कुषाण के जो शासक थे कनिष्क जो थे उन्होंने अपनी राजधानी मथुरा को बनाया था दोस्तों। और मथुरा, देखिए मथुरा में जो है सबसे कम वर्षा होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है। और वहीं अगर सबसे अधिक वर्षा की बात की जाए दोस्तों तो वो है आपका गोरखपुर। जी हाँ, गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे अधिक वर्षा और मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। वहीं अगर आगे प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों, तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख पर किन शासकों का उल्लेख है? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो था दोस्तों ये अशोक शासक
ने इसको बनवाया था, मौर्य वंश के शासक थे और वहीं समुद्रगुप्त और जहांगीर भी इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख पर कुछ न कुछ किए हैं। तो दोस्तों किसका मतलब लिखा है, किन शासकों का उल्लेख है, तो अशोक का उल्लेख है, समुद्रगुप्त का उल्लेख है और जहांगीर का उल्लेख है। अगले प्रश्न पर दोस्तों अगर चर्चा करें तो किस गुप्तकालीन शिलालेख में चंद्रगुप्त, जी हाँ दोस्तों ये गुप्त वंश के एक शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय तक की गुप्तकालीन वंशावली का उल्लेख है। तो दोस्तों मथुरा स्तंभ शिलालेख जो है, मथुरा स्तंभ शिलालेख, यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय तक की गुप्तकालीन वंशावली का उल्लेख किया गया है। अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों तो लिखा है कि स्कंदगुप्त की भीतरी स्तंभ अभिलेख, स्तंभगुप्त स्कंदगुप्त का एक अभिलेख था जो कि भीतरी स्तंभ अभिलेख है और ये किस स्थान पर है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाजीपुर जिला उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में इसका उल्लेख है दोस्तों। जो आपका भित्री अभिलेख है ये गाजीपुर जिले में है। वहीं अगर आगे चर्चा करें दोस्तों तो कह रहा है किस गुप्तकालीन मंदिर का शिखर भारत की नागर शैली मंदिर वास्तुकला का एक मानक लक्षण बन गया है। तो दोस्तों अगर किस गुप्तकालीन मंदिर का शिखर भारत की नगर शैली मंदिर वास्तुकला का एक मानक लक्षण बन गया है दोस्तों, तो ये कानपुर में भीतर गांव मंदिर है, एक कानपुर में भीतर गांव मंदिर है जो कि शिखर भारत की नागर शैली मंदिर वास्तुकला का एक मानक लक्षण बन गया है दोस्तों। वहीं अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो हर्षवर्धन ने कन्नौज में बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रचार के लिए एक सभा का आयोजन किया था। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने कन्नौज की जो बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे उसके लिए महायान संप्रदाय का जो है वर्णन किया था या महायान संप्रदाय का आयोजन किया था। वहीं अगले प्रश्न पर चले तो हर्षवर्धन ने कहाँ पर अपनी संपत्ति दान करने के लिए हर 5 वर्ष में एक सभा आयोजित की। तो दोस्तों हर्षवर्धन ने 5 वर्ष में एक बार सभा करवाता और ये प्रयाग में करवाता था दोस्तों और अपनी संपत्ति दान करता था। वहीं अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला कह रहा है किस पाल वंश के शासक ने कन्नौज में, किस पाल वंश के शासक ने कन्नौज में एक बड़े दरबार का आयोजन किया था दोस्तों, तो धर्मपाल, धर्मपाल ने कन्नौज में एक बड़े दरबार का आयोजन किया था। अगर वहीं अगले प्रश्न की चर्चा करें दोस्तों तो महमूद गजनी ने किस वर्ष मथुरा के मंदिर को लूटा था। दोस्तों महमूद गजनी ने किस वर्ष मथुरा के मंदिर को लूटा था, 1017 या 1018 ईस्वी में महमूद गजनी ने मथुरा के मंदिर को लूटा था दोस्तों। वहीं अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में कौन विजयी हुआ था। जी हाँ दोस्तों 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था जो कि मोहम्मद गोरी और गढ़वाल वंश के शासक जयचंद के बीच में हुआ था दोस्तों, और इसमें मोहम्मद गोरी जो है जीत गया था और जयचंद हार गया था। वहीं अगर दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने से पहले इल्तुतमिश किस स्थान का शासक था। जी हाँ दोस्तों दिल्ली के सिंहासन पर बैठने से पहले जो इल्तुतमिश था वो किस स्थान का शासक था, तो ये कहाँ का शासक था दोस्तों, बदायूं का शासक था। वहीं अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों तो कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली के किस शासक ने आगरा की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाई। तो दोस्तों आगरा शहर की स्थापना जो की थी वो सिकंदर लोदी ने की थी और सिकंदर लोदी ने ही आगरा वंश की स्थापना करके आगरा को अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों। वहीं अगर हम आगे बात करें तो 1458 ईस्वी में बहलोल लोदी के साथ 4 वर्षीय शांति संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। जी हाँ दोस्तों बहलोल लोदी के साथ 4 वर्षीय शांति संधि पर हस्ताक्षर करने वाला जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो वो था हुसैन शाह। जी हाँ दोस्तों हुसैन शाह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न कह रहा होगा दोस्तों, किस निर्णायक युद्ध में हुमायूं शेरशाह सूरी से पूरी तरह पराजित हो गया था। आप जानते होंगे कि मुगल काल जो है दो पार्ट में था। जी हाँ दोस्तों, मुगल काल दो पार्ट में था। एक आपका बाबर के समय से अर्थात 1526 से शुरू होता है दोस्तों, और 1526 ईस्वी से लेकर के 1540 ईस्वी बिलग्राम के युद्ध या कन्नौज के युद्ध तक चलता है, जिसमें हुमायूं हार करके अपनी जान बचाने के लिए जो है अपनी जान बचाने के लिए वो समुद्र नदी में कूद जाता है, और वहाँ से उनको दो मल्लाहे जो होते हैं वो बचा लेते हैं, और वो इस वजह से जीवित बच जाता है दोस्तों। तो एक बार तो 1526 ईस्वी से 1540 ईस्वी तक मुगलों का शासन था, उसके बाद फिर दोस्तों 1540 के बाद फिर 1555 ईस्वी में फिर से हुमायूं शासन या गद्दी पर बैठता है दोस्तों। तो ये चीज़ है कि दो कड़ी में जो है मुगल काल था। और प्रश्न भी आता है कि मुगलों का ग्रहण कब लगा था, तो मुगलों का ग्रहण दोस्तों 1540 ईस्वी में लगा था। वहीं दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी और आगरा के किले का निर्माण किस मुगल राजा के द्वारा करवाया गया। जी हाँ दोस्तों, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी ये दोनों जो है किस राजा के द्वारा करवाया गया था, तो अकबर ने इसका दोनों का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीरबल का रंग महल कहाँ मिला। जी हाँ दोस्तों, बीरबल का जो रंग महल है वो कहाँ है, तो दोस्तों कालपी, जी हाँ कालपी या जालौन जिला उत्तर प्रदेश में है। बीरबल का रंग महल जो है वो कालपी या जालौन जिला उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर चर्चा करें तो दोस्तों कह रहा है, किस मुगल सम्राट ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे का निर्माण कार्य पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, अकबर का जो मकबरा है वो कहाँ है दोस्तों, तो सिकंदरा में है। आप लोग याद रखिएगा, सिकंदरा अलग है, सिकंदराबाद अलग है, दोनों को एक मत समझिएगा दोस्तों। आगरा का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में है, और इसका निर्माण किसने पूरा किया आखिरी में, तो जहांगीर ने पूरा किया 1613 ईस्वी में। आज का दोस्तों आखिरी प्रश्न है, कह रहा है, मुगल काल के दौरान लखनऊ में स्थित किस मदरसे ने मुस्लिम विधि शास्त्र के अध्ययन में विशेषता हासिल की। जी हाँ दोस्तों, मुगल काल के दौरान लखनऊ में स्थित किस मदरसे ने मुस्लिम विधि शास्त्र के अध्ययन में विशेषता हासिल की, तो दोस्तों कारंगी महल मदरसा जो है ये अध्ययन में विशेषता हासिल की। कहाँ पर स्थित है ये दोस्तों, तो मुगल काल के दौरान स्थित था और लखनऊ में स्थित था ये, और यहाँ पर मुस्लिम विधि शास्त्र के अध्ययन में विशेषता हासिल की जाती थी। तो ये था आज का प्रश्न दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।